हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट पोयम चाइल्डहुड रीड करेंगे, जिसके पोएट हैं मार्कुस नेटन। ये पोयम चाइल्डहुड के बारे में है। आप सभी को पता है चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन। ये बचपन के बारे में है। जो पोएट है वो क्वेश्चन पूछता है कि मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। वो जानना चाहता है क्या जब मैं 11 साल का था तब मेरा बचपन चला गया, या फिर जिस दिन मुझे पता लगा कि जो हेल और हेवन है इनको हम ज्योग्राफी में नहीं देख सकते, या जब मुझे पता लगा कि जो अडल्ट्स जो वयस्क लोग होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, क्योंकि वो प्रेम के बारे में शिक्षा देते हैं, हमें प्यार से बातें करना सिखाते हैं, बट वो खुद ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या तब मेरा बचपन ख़त्म हो गया था? या फिर वो पूछता है क्या जब मुझे पता लगा कि मेरा माइंड, मेरा जो दिमाग है उस पर मेरा ही हक है, क्या तब मेरा बचपन ख़त्म हो गया? तो देखिए, वो क्वेश्चनों के थ्रू पूछना चाहता है कि मेरा चाइल्डहुड कब ख़त्म हुआ था। तो हम इस पोएम में रीड करेंगे इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? वाज इट द टाइम रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे? तो पूछता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे, क्या ये वो दिन था? आई सीज्ड टू बी 11, जिस दिन मैं पूरे 11 ईयर्स का हो गया था, 11 साल का हो गया था। वाज इट द टाइम, क्या ये वो समय था? आई रियलाइज्ड क्या होता है? महसूस करना, कि जिस दिन मैंने महसूस किया दैट हेल इन हेवन, हेल होता है नर्क और हेवन होता है स्वर्ग, कि जो नर्क और स्वर्ग हैं कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे। तो कहता है कि हम इन्हें ज्योग्राफी जो है भूगोल है उसमें नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये वहाँ पर नहीं होते हैं। तो कहता है क्या ये दिन था जिस दिन मेरा बचपन गायब हो गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, जो दोबारा नेक्स्ट एंजा में पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया, कब बीत गया। वाट इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट एल दे सीम्ड टू बी। वो कहता है कि क्या ये वो समय है जब मुझे महसूस हुआ था कि जो वयस्क लोग हैं, अडल्ट्स होते हैं वयस्क लोग, ठीक है, वो जैसे दिखते हैं, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, प्रीच्ड होता है उपदेश दिया या शिक्षा दी, कि वो टॉक प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, बट डिडंट एक्ट सोलविंगली, लेकिन वो खुद इस पर कार्य नहीं करते, प्रेम से कार्य नहीं करते। वाज दैट द डे, तो क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे पता लगा तब मेरा बचपन चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वो नेक्स्ट एंजा में फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरा जो दिमाग है वो मेरा खुद का है, उस पर मेरा हक है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मैं अपने दिमाग को उस रास्ते से, उस तरीके से यूज कर सकता हूँ जो तरीका मैं चाहूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स, मैं अपने खुद के विचार प्रोड्यूस होते उत्पन्न कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ, जो किसी दूसरे लोगों के नहीं होंगे, बट माई ओन, केवल मेरे ही होंगे, एंड माइन अलोन, केवल मेरे अकेले के। वाज दैट द डे, क्या ये वो दिन था। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, लास्ट में वो पूछता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है वो कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी छुपे हुए स्थान पर चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, जो कि किसी इन्फेंट होता है, जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, क्या वो किसी नवजात शिशु के चेहरे में छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, मैं केवल यही जानता हूँ। वो कहता है कि मैं जो कुछ जानता हूँ केवल यही जानता हूँ कि मेरा जो बचपन है वो किसी छुपे हुए स्थान पर चला गया है, जो कि किसी इन्फेंट, जो नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, उसके चेहरे में छुपा हुआ है। तो ये थी हमारी पोयम जो कि लिखी हुई है मार्कुस नेटन ने, जिसमें अपने बचपन के बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा बचपन कब समाप्त हुआ। तो आप इस पोएम को ध्यान से रीड कीजिए और समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।